महानगरों से विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैदल ही निकले प्रवासी मजदूरों का गाजीपुर में भी आना और यहां से गुजरना लगा हुआ है। ऐसे में गाजीपुर के स्वाभिमान संगठन द्वारा इन मजदूरों के लिए एक नेक कार्य किया गया है। बता दें कि बासुपुर तथा सैदपुर के जेवल मोड़ पर गुजरात तथा मुंबई से बलिया और बिहार जा रहे श्रमिकों में खाने के पैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा उन्हें पानी की बोतल भी दी गई। इस दौरान संगठन ने लगभग 700 भोजन के पैकेटों का वितरण भी किया। मालूम हो कि संगठन लॉकडाउन में शुरू से ही समाज सेवा का कार्य कर रहा है। आइए सुनते हैं इस बाबत संगठन के अध्यक्ष देवेश सिंह क्या कह रहे हैं। मैं डॉक्टर देवेश, अध्यक्ष स्वाभिमान संगठन। देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने तय किया कि जो मजदूर पैदल और ट्रकों से आ रहे हैं उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। उसी क्रम में आज सुबह से ही सैदपुर के बासुपुर स्थित राजन आईटीआई पर एकत्र हुए और वहाँ के प्रबंधक श्री मनोज पांडे जी की प्रेरणा से हम सभी लोगों ने भोजन बनाकर उन मजदूरों में वितरित किया। भोजन के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था किए। जो मजदूर पैदल जा रहे हैं या जो ट्रकों से जा रहे हैं उन मजदूरों को भी प्रशासन के माध्यम से रुकवा करके हम लोग भोजन और पानी देने का काम कर रहे हैं। इस दौरान स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह के साथ राजन आईटीआई बासुपुर के प्रबंधक, स्वाभिमान संगठन के सदस्य मनोज पांडे, अजय सिंह, दुर्गेश सिंह, पीयूष सिंह, पुनीत सिंह दीपू, सपन दुबे, नीलेश दुबे, सच्चिदानंद जी, प्रमोद यादव, रामानंद कुशवाहा, देवेंद्र कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।